प्राकृतिक, रोचक, क्रांतिकारी। भारत के सबसे लंबे चलने वाले एडवेंचर रियलिटी शो के 17वें सीजन की यही परिभाषा है। नई थीम के साथ रोडीज रेवोल्यूशन एक उद्देश्य के साथ अतुलनीय एडवेंचर है। वह उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाना। रियलिटी शो की सीमाओं से आगे बढ़ते हुए इस बार रोडीज का उद्देश्य एक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करना है तथा एक समय में एक काम करना है। 16वें सीजन की अपार सफलता के बाद यह शो उन युवाओं की खोज में आगे बढ़ रहा है जिनमें आम स्थिति को चुनौती दे सबसे अलग खड़े होने की सामर्थ्य है। इतने लोगों से ना कुछ जज्बा है, जोश है, ये बहुत कहते यूथ से बहुत आगे है। वो जड़ी आगे है ना उन्हों केस डायरेक्शन से पाना वो हूँ असी सोचा वो बहुत जरूरी है। अज का जो माहौल चल रहा है एक प्रॉब्लम नहीं, तुम अजय पंजाब यूथ से जिदा ब्रिक्स गल करता इतने ड्रग्स को लैके बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। स्पोर्ट्स एनी फैसिलिटीज नहीं है, जो तुम इंडिया से देखो तो विमेन जे जे सेफ नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एनवायरमेंट को लैके भी गल करेंगे कि मतलब अपने पूरा जो प्लैनेट है इट्स गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। जो सा पिछले 16 साल का फैन बेस बनया, एक प्लेटफॉर्म बनया रोडीज का, उतने ना बहुत सारी इदा दल होंगिया बिकॉज परसनल इंट्रैक्शन होंगी सी। हूँ असी सोचे कि उस प्लेटफॉर्म को लैके जोड़ा सा असी गल कर रहे रोडीज रेवोल्यूशन की, उस प्लेटफॉर्म को लैके अलग अलग मुद्दे से अलग अलग प्रॉब्लम जो सोसायटी से है दुनिया से है गल बारे गल करिए कुछ बदलाव लाइए। वी हैव टू बी द चेंज एंड जिनी भी यूथ आ रही है उसे उन्होंने जी एनर्जी है उन्होंने जी आगे जो असी राइट डायरेक्शन यूटिलाइज करिए दैट्स द एम ऑफ रोडीज। साडा इंटेंशन है दैट वी वॉन्ट टू बी द चेंज, असी जाके करा जिन्ना हो गया वधिया, जे कुछ बदलिया बहुत वधिया, नहीं भी होया एटलीस्ट ये सारे का हम रिस्पोंसिबिलिटी है दैट यू हैव टू बी डूइंग समथिंग अबाउट इट राइट। बाकी फ्रेंड्स ओड यू सत श्री अकाल जी। जिमें भाई ने बोला कि है ना असं पॉजिटिव लेके इस बार जान लगे हैं, देखो सानू पता नहीं है कि असं किन्ने सक्सेसफुल रहोगे पर असं फिर भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यू नो हमेशा अच्छा होता है कि तुम किसी चीज़ की कोशिश करो। तो पिछले 16 साल तो अस जब भी ऑडिशन मैं 5 साल तो ले रहा हूँ 15 साल जितनी बार भी ऑडिशन लेने हैं तो हमेशा इदा के कुछ ना लोग आते हैं, कुछ कुड़ी आती है जिसका कुछ कलच होया होता जो सोसायटी के डर कारण बोल नहीं पाते, पर रोडीज आके जरूर बोलते हैं क्योंकि उन्होंने पता कि आप प्लेटफॉर्म इदा है कि जिसे सच निकलूगा और बंदे भी पता लगेगा कि जिन्हें जो गलत कर रहे। सो ड्रग्स के किस तरह के साढ़े पंजाब का नाम वैसे भी बहुत खराब है ड्रग्स के, चाहे हर किसी पास होंगे पर साढ़े पंजाब छोटा छोटा पंजाब है ज़्यादा हाईलाइट होता है, पर वो असं क्यों होने देंगे है ना। जो सा धरती है वो गुरु की धरती है ना, साढ़े गुरुओं ने शहीद होने इतने साढ़े वास्ते तो असं क्यों इतना का नाम अपने को लाइए। तो असं उही कोशिश कर रहे हैं कि इस बार पिछले बार साढ़े को सिर्फ 4 हीरो इस बार असं 20 हीरो लेकर आओ कि वो सारे इदा के हीरो जो बाहर आके इंस्पायर कर तो साडा यूथ जो है जो शो नहीं देखता वो अगे इंस्पायर करे, क्योंकि रोडी आके ही रोडी बनना जरूरी नहीं है, असं घर बैठ के भी रोडी बन सकते हैं। सो असं ट्राई कर रहे हैं कि कुछ वधिया करिए शो शो के नाल हसी मजाक में एक अच्छा मैसेज लेके जाइए जो लोगों तक पहुँचे। बाकी जो कॉज निखिल भाई गल करेंगे वो भी बहुत चंगी है, जी असं फ्यूचर से देखोंगे जो अभी ना सुधर। सो My wife is a Sardanese, where I understand most of the things that she says, the operative word being post. So, like Ranvijay and Princess said, that the theme this year on the show is different, Rodi's Revolution. One of the questions that we've been asked is, does that mean that Rodi's is not going to have the same energy, passion, adventure that we used to have? No, the answer is, all of that is 1000% still going to be there. But this time, instead of contestants winning for themselves or winning for a gang leader, they're going to be winning for all of us, for change. And one of the reasons that people come on to a show like Rodi's, they come on to use Rodi's as a platform and further their own careers to get noticed and to create a platform and a stepping stone for themselves. We've seen it happen with so many people. Ranvijay's career started on Rodi's.
Prince's career for, in many ways started on Rohit's, Ayushman's as well, Bani's. But what we want to tell people is that as you're looking towards using this platform as a way to securing your future, also think, this is personal to me, think about the future of the planet. You know, we talk about so many issues that are facing our generation now, one of them being gender inequality, empowering women. But if we don't fix the planet, all of these issues will become useless because we won't have a planet to live on. We don't have a planet B. We don't have a plan B. Which is why when we talk about climate change and environmental issues, I think these are far more important than the other issues that surround us. I'm not saying that any issue is less important in any way, but if we don't fix the planet, then we won't have a reason to confront any of the other issues because as a civilization, we will perish, we will die. सर क्वेश्चन है एक्चुअली तीनों के लिए क्वेश्चन है मेरा नाम सैंडी आपको पता है और डिफेंस मुझे मैं जानना चाहता हूँ ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें